तो अब अगर मैं कोरोजन और एसिडिटी के बारे में बताऊंगा तो कोई कोरोजन के बारे में बता सकता है ऋषभ? व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन सर जो कोरोजन, मेटल एक सेकेंड मेटल होता ऋषभ, है जब वो एक रस्ट हो सेकेंड जाते एक हैं सेकेंड, क्या द ऋषभ? शिफ्टिंग अप ऑफ मेटल लाइक आयरन इन वो प्रेजेंस एक ही ऑफ कांटेक्ट में ऑक्सीजन। एसिड और चीजों के कांटेक्ट में आपके पास सर जब व्हेन अ वो रस्ट मेटल हो जाता रिएक्ट है विद कोरोजन हो जाता ऑक्सीजन टू फॉर्म अनदर लेयर, है। हाँ और सर सबका नाम ऋषभ है, मैं भी ये यही रेड बोलना चाहता हूँ बोला। सर भाई तो जिसका नाम ऋषभ है ऑक्सीजन। उसने कुछ नहीं बोला और बाकी सब खूब बोल रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी विधानसभा चल रही है ना यहाँ पे। यस ऋषभ, सर नाउ यू एकदम कैन सी। जवाब दे रहे हो, ऊपर से आप ऐसे बोल रहे हो। सर सर हाँ ठीक है, अच्छी बात कर रहे हो। कोरोजन ही बड़ा यस सर ऋषभ, यस ऋषभ, इज ऋषभ व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद, सर बोल रहा हूँ सर, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन लेयर ओवर इट, इट इज कॉल्ड कोरोजन। हाँ ठीक है। देखो रेडिश ब्राउन लेयर जो होती है ना वो सिर्फ मेटल्स के लिए है, ठीक है ऋषभ, सिर्फ ओके मेटल्स के लिए है। लेकिन सर, एक्चुअली में हमें क्या याद रखना है, हमें तो हर टाइप का मतलब एक पर्टिकुलर आयरन के लिए बोल दिया तुमने रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जो तुमने बोला है वो तुमने आयरन के लिए बोल दिया, लेकिन हमें तो सबके लिए बताना है, तो इसका मतलब सभी मेटल्स का लेके चलना है, तो इसलिए हम रेडिश ब्राउन का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या ठीक रहेगा बोलना, तो तुम्हें याद रखना है ईटिंग कि अप द ईटिंग अप ऑफ अनदर मेटल लेयर, मतलब मेटल्स का खराब हो जाना, ठीक है। सो द ईटिंग अप ऑफ ओके मेटल इट इज कॉल्ड कोरोजन। तो क्या याद रखना है, तो लिखो एक बार सारे बच्चे कोरोजन के बारे में लिखे। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो द मेटल विच इज वेरी रिएक्टिव इट सरफेस इज अटैक्ड बाय एयर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस अराउंड इट एंड इट इज सेड टू बी कोरोड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ये लिखो द ईटिंग अप ऑफ मेटल, द ईटिंग अप ऑफ मेटल, द ईटिंग यस सर, अप ऑफ मेटल स्पेशली आयरन, ये लिखो लाइक आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ, लाइक आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीजन एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो अब अगर बात की जाएगी तो मुझे क्या बोल सकते हैं दी, यस आयरन के लिए स्पेशली हम रस्टिंग भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं बिल्कुल। तो वो एग्जांपल एक हो गया ना, तुमसे तो पूछ जाएगी कोरोजन का एग्जांपल, तो हम यही बोलेंगे कोरोजन का एग्जांपल क्या होगा बेस्ट, तो हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। यस सर एनसीईआरटी में ना डेफिनेशन दी थी, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल ऑन देम, हाँ एक्से ये जो मैंने सर। एक्स्ट्रा, ये जो मैंने एक्सेक्ट्रा सर लिखा है, इस एक्सेक्ट्रा का मतलब आसपास सराउंडिंग में जितने केमिकल्स होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सेक्ट्रा लिखा है ना इसका मतलब कोई से भी सराउंडिंग में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है। बस मैंने एक्टिव वॉइस लिखा है, उन्होंने पैसिव वॉइस में लिख रखा है, ठीक है, दी मेटल विच आर इटन अप, ठीक है। तो इसलिए तो ये क्या है कोरोजन। तो कोरोजन का अब देखो, अब हमें पता है कि कोरोजन का देखो फॉर्मूला बेसिकली क्या बनता है, जब भी मेरे पास आयरन होता है ना, तो आयरन को अगर जब भी तो मेरे पास किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ H2O और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम क्या कहते हैं कांटेक्ट करता है, तो मेरे पास क्या बनकर आता है Fe की, जब भी रिएक्शन मेरे पास H2O से होती है, कितना H2O है पता नहीं, तो मैंने XH2O लिखा है और O2 लिखा है, तो मेरे पास क्या बनकर आता है, तो मेरे पास बनकर आता है हाइड्रेटेड आयरन बिल्कुल ऑक्साइड Fe2O3 इंटू में H2O, O3N, और इसे हम क्या बोलते हैं रस्ट। ये वो ब्राउन लेयर है जिसमें जंग लग जाता है, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड, रस्ट हाइड्रेटेड आयरन आयरन ऑक्साइड। ऑक्साइड, और इस जंग को कभी भी छूना नहीं चाहिए, यस क्यों, क्योंकि इस जंग के छोटे छोटे पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो बैक्टीरिया फंगस लगता है, तो फिर हमें टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे एफी। जंग को कभी छूना नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा हाथ कटा हुआ है कुछ पोर्शन सर है, Fe2O3 के बाद क्या लिखा है? एक्स एच टू ओ, XH2O, पता नहीं ना कितना पानी लिया था, इसलिए XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अच्छा ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, मतलब कितना मोल्स भी वाटर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस आयरन को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें कोरोजन से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो प्रिवेंशन पेंट मेथड क्या है मेरे पास, पेंट कर दो। एल्विनाइजेशन
यस गैल्वनाइजेशन में हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की, राइट? जिंक की, यस। तो गैल्वनाइजेशन कर देंगे, तो गैल्वनाइजेशन के अंदर, गैल्वनाइजेशन, तो गैल्वनाइजेशन में हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग कर दीजिए, ठीक है। और पेंट कर दो, पेंटिंग, पेंटिंग, पेंट सिर्फ, ठीक है। उससे क्या होगा, पेंट लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं एंटर कर पाएगी ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, वाटर एंटर, जस्ट तुम्हारे पेंट कर रखा है तो क्या पानी अंदर जा रहा है ईंट के, नहीं ना, क्या कोई भी ऑक्सीजन एंटर जा रही है, नहीं। तो पेंट कर दो या ऑयल लगा दो, जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं उन पे ऑयलिंग की लेयर की जाती है, ऑयलिंग करने से क्या होता है, कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑयल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऑयलिंग कर सकते हैं। एक आता है ग्रीस, जो कि फैन में लगाया जाता है, बहुत चिकना चिकना होता है ग्रीस, ग्रीस एक बहुत ही चिकना मटेरियल होता है, तो वो भी उसकी सप्लाई को कट करता है, तो ग्रीस बोलते हैं इसे, ठीक है, ग्रीस कर दो, ठीक है। गैल्वनाइजेशन का मतलब जिंक की कोटिंग कर देना, कोई डाउट है इसके अंदर? साइकिल की चेन में सर यही ग्रीसिंग, ऑयल ग्रीसिंग करते हैं ताकि रस्ट ना लगे। हाँ तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं उसे, तो हाँ, लुब्रिकेंट जो चिकना बना देता है, आयरन की सब वो ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है। और आयरन के ऊपर ना एक नई चीज है ये फाउंडेशन के लिए, तो हमारे पास एक क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम की लेयर को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्रोमियम की लेयर भी हमारे पास रस्टिंग से बचाती है, राइट। तो अगर तुमने क्रोमियम की लेयर भी यूज करनी है तो क्रोमियम की लेयर भी यूज कर सकते हैं, इट हेल्प इन रस्टिंग प्रिवेंशन। तो आयरन के ऊपर अगर तुमने क्रोमियम की लेयर यूज करी है तो क्रोमियम लेयर ऑन आयरन, ठीक है। तो अगर मैं क्रोमियम की लेयर यूज करूंगा, क्रोमियम लेयर ऑन आयरन, तो इट आल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग। क्रोमियम बस आयरन पे, हां हां सिर्फ आयरन पे करना है, हां सिर्फ आयरन पे। सो आयरन कैन बी कोटेड विद क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग, यस। सर पेंटिंग के बाद क्या लिखा है? पेंटिंग, पेंटिंग नहीं है, पेंट है, सिर्फ पेंटिंग तो अलग हो जाती है ना, पेंट। अच्छा पेंट उसके बाद ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दो, ग्रीस्ड। ग्रीस आते एक सब्सटेंस होता है, ग्रीस बहुत चिकना चिकना होता है, ऑयल जैसा ही होता है, तो ग्रीसिंग भी कर सकते हो, ग्रीसिंग, ठीक है, ग्रीस लगाना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। रस्टिंग के लिए सर मॉइस्चर और ऑक्सीजन, वाटर, हाँ सिर्फ मॉइस्चर और ऑक्सीजन चाहिए होता है और कुछ नहीं, कुछ थोड़े बहुत एसिड भी, इससे भी कभी कभी रस्टिंग हो जाती है, लेकिन उससे तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है। सर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं हो पाती, अगर एयर नहीं है तो रस्टिंग नहीं हो पाती, एयर, और एयर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एयर ना हो, एयर हर जगह पे, ठीक है, तो बहुत ही रेयरली है। H2O अगर ना हो, वाटर ना हो तो, H2 नहीं हुआ तो भी नहीं होगी, पानी चाहिए ही होता है रस्टिंग के लिए, तुमने इसलिए देखा होगा जब भी बारिश वारिश होती है या पानी गिर जाता है तभी जंग लगता है, विदाउट वाटर के अलावा जंग नहीं लगता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोरोजन, किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. अब अरे लास्ट क्लास में रेंसिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। यस सर। जैसे सर जब फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके टॉक्सिक या खराब हो जाता है, टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक तो जहरीला हो गया ना, ऐसे करके तो लोग कितने लोग मर जाएंगे, ऐसे करके तो लोग इतने कोरोना से नहीं मरेंगे जितना खाने से मर जाएंगे, क्योंकि कितने लोग खाते हैं रात का खाना, ठीक है, तुम तो पसंद ही रहते, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, तो बिल्कुल सही। देखो फूड के अंदर ऑयल्स एंड फैट होते हैं, ऑयल के अंदर सब्जी बनती है, फैट भी होते हैं, तो जब भी ऑक्सीजन के हम अब जो रखे रहते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, वो ऑयल एंड फैट क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसका स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो पूरा पूरा चेंज हो जाता है। सो इट्स द स्मेल एंड टेस्ट गेट चेंज, तो उसका जो स्मेल है और जो उसका टेस्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके चेंज होने से उसका टेस्ट चेंज हो गया ना, तो जब हम खाते हैं तो एक स्मेल आती है उसमें से, वो एक एक टेस्ट उसका अलग हो जाएगा। ऑल दो कुछ लोगों को वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे सक्षम, ठीक है, कि आस्था, ये दो तीन दिन का खाना खाते हैं, क्यों, क्योंकि इनको पसंद नहीं, मेरे को नहीं पसंद। तो जब इस टाइप का टेस्ट होता है, इस टाइप का बेकार सा खाना होता है, एक दिन तो आस्था मेरे घर पे आ गई थी कि सर 5 दिन का खाना है, तो देखो मैंने कहा नहीं बाबू ऐसे, तो इसीलिए हम तो अलग से निकाल के रखते हैं इसके लिए रोटी, एक हमारे गाय तो आती नहीं है, तो हम आज तक थोड़ी सी निकाल के रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर डेफिनेशन क्या है? तो लिखो लिखो व्हेन व्हेन
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड इज ऑक्सीडाइज्ड ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन then its smell and taste then it is smell and taste get changed it is called rancidity so smell aur uska taste change ho jata hai jise hum kya bolte hain rancidity bolte hain theek hai to tum dekhoge jaise kurkure aate hain chips ke packet aate hain theek hai lays ke packet aate hain to ye sare 4-5 mahine tak shop pe rehte hain जब भी खराब क्यों नहीं होते क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन कैसे ये पैक्ड होते हैं नाइट्रोजन गैस इसको रस्टिंग होने से मतलब इसको रैंसिड होने से बचाता है रस्टिंग नहीं जंग नहीं लगती रैंसिड हमारे हाँ तो रैंसिड बोलो सर एयर टाइट पैकेट में भी तो रखते हैं बोलो बोलो ऋषभ सर मैं कहता हमारे यहाँ तो ट्राइग्लिसराइड कुछ बता रही थी अरे फैट का मतलब क्या होता है ट्राइग्लिसराइड ही होता है फैट को अगर तुम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ोगे ना तो उसका मतलब ट्राइग्लिसराइड ही है ठीक है सर हाँ तो फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड ही है तो वो खराब ना हो जाए तो बस उससे ही टेस्ट चेंज होता है तो उतना नहीं देखना है फैट ही बोलो ज्यादा बेटर सर हाँ में भी तो रखते हैं किसके एयर टाइट पैकेट में भी तो रखते हैं सर हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ यस कोई सर बोल रहा था अभी सर अगर हम वो सर हाँ हाँ बोलो बोलो सर अगर रैंसिड फूड हम कंज्यूम करेंगे तो वो बॉडी को इफेक्ट करेगा क्या डिपेंड करता है अगर अगर उसमें फंगस वंगस लग गई है बैक्टीरिया लग गया है तो फर्क पड़ेगा लेकिन अगर रैंसिड है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रैंसिड फूड खाते हैं तो वो टेस्ट के लिए भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कुछ जब बॉडी में बैक्टीरिया है फंगस लग गया तो वो मतलब टॉक्सिक तो वो नुकसान करेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब वो नुकसान करेगा ऐसा देखा गया है रैंसिड फूड जब भी हम रैंसिड फूड देखते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस भी होते ही है ठीक है क्योंकि फूड अगर खाना दो चार दिन पुराना है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फंगस बैक्टीरिया होंगे तो वो नुकसान पहुंचा देंगे लेकिन अगर सिर्फ खाना पुराना है और उसमें कोई बैक्टीरिया फंगस नहीं है तो उससे कोई जैसे तुम्हारा खाना है मान लो तो तुम्हारे खाना अगर तुमने फ्रीज में रख दिया मान लो आज दाल बनाई बहुत अच्छी ठीक है तुमने राजमा बनाया और राजमा को तुमने फ्रीज में रख दिया और फ्रीज में फिर तुमने उसे दो दिन बाद खाया तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया फंगस नहीं था लेकिन वो फूड क्या हो गया रैंसिड हो गया ठीक है तो उसका टेस्ट चेंज होता है जब वो बना था तब उसका टेस्ट चेंज कुछ और था और अब उसका टेस्ट कुछ और आएगा तुम्हें आया सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यस सर ठीक है तो लोगों को टेस्ट की बात है कुछ लोग दो दिन बाद भी खाते हैं एक दिन बाद भी खाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अलग हो जाता है ठीक है तो जैसे आलू के पराठे अभी भी बने हैं तो उसका टेस्ट अलग आएगा और आलू के पराठे अगर तुमने सुबह के बने शाम को खाए तो उसका टेस्ट अलग आता है ठीक है तो ये क्या होता है रैंसिडिटी 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 का अब कैसे बता सकते हो या तो एयर टाइट कंटेनर यूज करो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो ताकि ऑक्सीजन जाना एयर टाइट से तो हो भी सकता है अंदर की एयर कहीं कर दे हाँ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल सही सोच रहे हो लेकिन थोड़ी बहुत एयर से कुछ होता नहीं है या तो एक काम कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर को पूरा ही फिल कर दो ना तो एयर बचेगी नहीं अगर एयर टाइट कंटेनर है तो दाल के पैकेट को पूरा ही फिल कर दे तो कौन सी एयर बची ठीक है तो इस तरीके से खाली थोड़ी एयर टाइट कंटेनर सर एयर टाइट कंटेनर जो सर मतलब पिचके होते हैं या फिर जिनमें से हवा निकली होती है सर उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए मतलब उनके अंदर से फूड को ना नहीं नहीं एयर टाइट कंटेनर के अंदर कंज्यूम कर सकते हो कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं सर अगर वो मतलब वो हवा लीक हो गई अंदर की तो नहीं कर सकते ना हाँ तब दिक्कत है अरे कंज्यूम सब कर सकते हैं बस अलग अलग टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा ठीक है बस उसमें बैक्टीरिया फंगस ना हो पैथोजेंस ना लगे हो बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नाइट्रोजन गैस जो होते हैं नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट के अंदर होते हैं क्यों ताकि वो रैंसिड ना हो जाए राइट तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रैंसिडिटी राइट अच्छा और रेफ्रिजरेशन तो अगर मान लो कोई भी खाना तुमने फ्रीज में नाइट्रोजन तो हवा में भी रहती है लेकिन हवा के अंदर तो और भी गैसेस होती है ना नाइट सिर्फ नाइट्रोजन थोड़ी होती है हवा के यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ और भी गैसेस है ना ऑक्सीजन भी तो है तुम सिर्फ अच्छी अच्छी देख रहे हो पूरी तुम देख ही नहीं रहे हो ठीक है यहाँ पे तो पूरा मिक्सचर है नहीं नहीं हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो ऐसे लेकिन थोड़ी बहुत और गैसेस की वजह से तो नुकसान हो जाएगा ना और वो एकदम प्योर नाइट्रोजन है मतलब थोड़ा बहुत मिक्स है वो भी
लेकिन कंपैरिजन है, एयर वाला और पैकेट वाला थोड़ा फर्क है इसके अंदर, ठीक है। खुशी तुम नाइट्रोजन गैस में किससे बात कर रही हो? कौन है तुम्हारे साइड में? खुशी दिखाओ दिखाओ कौन है, भाई है तुम्हारा? सर अक्षत सर, नाइट्रोजन गैस में ऐसा क्या होता है जिससे वो एयर डेंसिटी नहीं होती? एक्चुअली अगर नाइट्रोजन होता है ना तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट, हमने बस नाइट्रोजन गैस डाल रखी है ताकि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन गैस ना हो, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस ज्यादा सब्सटेंस से कंबाइन भी नहीं करता है। जैसे नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन से हमारे पास अमीनो एसिड बनता है, प्रोटीन बनता है, तो नाइट्रोजन गैस हमारे किसी भी खाने के लिए नुकसान नहीं करती है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। ठीक है, तो मतलब पॉइजनस नहीं है कोई कोई इफेक्ट, नाइट्रोजन कंबाइन भी कर जाएगी खाने से तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे। हाँ सर, एनसीईआरटी में लिखा था टू कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट, क्यों ऑयल और फैटी फूड्स सनलाइट से क्यों दूर रखना चाहिए? टू कीप इट अवे फ्रॉम द सनलाइट, किस चीज के लिए कह रही हो? एनसीईआरटी के लिए? हाँ, प्रिवेंट करने के लिए उसको सनलाइट से दूर रखना, ठीक है। कुछ पैकेट बार बार होते हैं तो नाइट्रोजन गैस रखते हैं ताकि सनलाइट एंटर ना कर पाए। वैसे तो पैकेट है ऑलरेडी, तो पैकेट के अंदर सनलाइट वैसे भी एंटर नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो विद दैट योर दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड, तो यहाँ का तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और आई होप कि तुम्हारा क्या कहते हैं, यस वेरी गुड सरपास विधानसभा में तालियों बजा के स्वागत हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो आई होप तुम लोगों ने अपना लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से। सर मेरे को ना बायो में एक डाउट है। हाँ बोलो सर, जो वो था ना नेफ्रॉन, हाँ हाँ नेफ्रॉन सर, उसमें आपने कहा था कि ग्लोमेरुलस में हमारा वो फिल्टर हो जाता है और फिर वो निबोमेंस कैप्सूल में चला जाता है, तो फिर आपने कहा उसके बाद वो पीसीटी से होते हुए ब्लड कैपिलरीज अच्छे वाले उसको फिल्टर कर लेती है, और जो बाकी का बचा हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाके यूरिन बन जाता है। बिल्कुल सर, तो अगर एक बार वो फिल्टर हो चुका है तो वो तो पूरा फिल्टर फिल्ट्रेट वाला ही तो जाएगा ना, तो फिर से ब्लड कैप हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो। जो ग्लोमेरुलस वाला फिल्टर हुआ है ना, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए हुआ है। तुम्हारी किडनी के नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसके अंदर कोई बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स ना चले जाए, कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स ना चले जाए कि वो फंस जाए, तो इसलिए पहला वाला जो फिल्टर हुआ है वो इस तरीके से फिल्टर हुआ है कि सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल से फिल्टर हो। और जो लूप ऑफ हेनलीज के अंदर फिल्टर हुआ है, वो फिल्ट्रेशन हुआ है इम्प्योरिटी सारी ट्यूब के अंदर और अच्छी अच्छी सारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, समझ में आया? तो मेन फिल्ट्रेशन उसके अंदर हुआ है, पूरा जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने, प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल हेनलीज लूप डिस्टल, ठीक है। तो मेन यहाँ पे हुआ है कि गंदी गंदी चीजें उसी के अंदर, अच्छी अच्छी चीजें ब्लड के अंदर। और वो जो ग्लोमेरुलस पे हुआ है वो तो बस एक नॉर्मल सा फिल्ट्रेशन है ताकि बड़े बड़े पार्टिकल अंदर ना जा पाए, वो ट्रैप हो जाए और फिर वो बॉडी में ही रहे। इसलिए तो लोग कहते हैं ज्यादा बड़े बड़े ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, बर्गर पिज्जा डेली नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेली बर्गर पिज्जा खाओगे तो वो तो फिल्टर होगा नहीं, तो वो तुम्हारी बॉडी में एक्युमुलेट होता रहेगा, और एक्युमुलेट होगा तो कैसे हो जाओगे, तो एकदम फूल जाओगे बस, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। बता सकते थोड़ा ह्यूमन बॉडी का क्या, फिर से बोलने का सर? ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा ब्रीफ में मतलब कि बता सकते हो कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो अब हमारे पास, देखो सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो मेरे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था मेरे पास नेसल पैसेज होता है, राइट। तो नेसल पैसेज के बाद फिर जब हम सांस लेते हैं तो मैंने बताया था सबसे पहले फिर मेरे पास कैंटर हो जाता है, तो मेरे पास फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स एक ऐसी कॉमन ट्यूब होती है, राइट। तो फेरिंग्स का मतलब क्या है, कॉमन ट्यूब जिसमें खाना और तुम्हारा ये विंड पाइप दोनों एक साथ ओपन होते हैं, राइट। लेकिन अब रेस्पिरेशन तो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन तो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है, राइट। तो वो ट्रेकिया से होते हुए कहा जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद वो छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ है, और वो छोटे छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, राइट। और फाइनली वो कहां पे खुलता है, एल्वोलाई के अंदर, राइट।
अच्छा तो अब देखो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा, एक सेकेंड। दिख रहा है? देखो राइट साइड देखो। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो अगर तुम्हें ये हिस्सा दिख रहा है तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है, नेसल कैविटी दिख रही है, यहाँ से सांस लेते हैं, और ये वाला जो देखो कॉमन डक्ट है, यहाँ से खाना भी जाता है और यहाँ से हम सांस भी लेते हैं, तो ये क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये है लैरिंग, जो मैं ये आवाज निकाल पा रहा हूँ, जो मैं ये बोल पा रहा हूँ, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, जो कि साउंड बॉक्स होता है राइट हमारा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं राइट, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, जोड़ के रखते हैं राइट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि सांस जब तुम बाहर निकाल दो वो चिपक ना जाए। उसके बाद ये देखो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ब्रोंका है, ये वाला दो हिस्सों में बढ़ गया, इधर भी लंग्स है इधर भी लंग्स है, तो ये ब्रोंका है। अब ये ब्रोंका है देखो, जैसे जैसे पेड़ पेड़ होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बढ़ता है, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है ना, तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और इस तरीके से फाइनली क्या होता है, क्या लैरिंक्स ब्रोंक्यूल्स दिया सर, वो क्या है? अरे नहीं, ये लैरिंग्स अपना अलग है, ब्रोंक्यूल से नीचे का एयर वे है। अच्छा। ये लैरिंग्स है बस, ये ब्रोंक्यूल से नीचे का एयर वे होता है ना, ये ब्रोंक्यूल नीचे दिखा रहे हैं, नीचे नीचे मुझे लगा ये जो ब्रोंका है, ये ब्रोंका डिवाइड हो रही है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, इस डायग्राम में दिखा नहीं रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल इस तरीके से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो फाइनली फिर गैस कहाँ पे आ जाएगी, जो तुमने सांस ली है वो आ जाएगी हमारे इस एल्वोलाई के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, तो अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसा सर्कुलर टाइप का बैलून जैसा स्ट्रक्चर दिखता है राइट। तो अब मेरे पास एल्वोलाई कैसा होता है, दिख रहा है ये, देखो ये एल्वोलाई, देखो ये दिख रहे हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बच्चों लड़की को मत देखो ये, भैया देखो एल्वोलाई, वो देखो सक्षम कर रहा है वो। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास, एल्वोला है। तो जो भी तुमने सांस ली है तो वो सांस यहाँ से होती हुई कहाँ गई है, लंग्स के अंदर, और ये मेरे पास एल्वोला है, देख रहे हो इस एल्वोला के पास ये वेसल्स जा रही है, याद आया मैंने बताया था गैसेस एक्सचेंज होता है, याद आया वो नहीं याद आ रहा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस सर, सर याद आ गया, यस एपिथेलियम, वेरी गुड, यस सर। तो एल्वोलाई और कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मैंने करवाया था ये चीज, आई होप इट इज क्लियर, यस सर। ओके, तो अब एक और चीज, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, तो अगर मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी अगर तुम्हें शो करूं, तो देखो आई होप ये भी तुम लोगों ने अच्छे से समझा ही होगा, सर ये है सर नोट्स में है ये गिवन स्ट्रक्चर इसका, सर ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना बहुत छोटा सा दिखा रखा है, तो उसमें थोड़ा सा अनक्लियर सा ही रहता है, आई गेस एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है राइट, थोड़ा सा ये अलग है, देख पा रहे हो सर, ऐसा देखो देखो देख पा रहे हो, तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हुआ, ये मेरे पास क्या है प्रॉक्सिमल कैपिलरीज, ये है हेलेस लुक, देख रहे हो ना ये ब्लड कैपिलरीज, हां सर, देखो इसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकल कर ये ऑटोमेटिकली क्या बन गई, रीनल वेन दिख रही है ना, अच्छी अच्छी चीज एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑटोमेटिकली देखो क्या बन गई, देखो रीनल वेन ब्लू ब्लू कलर की, रीनल वेन का मतलब जो अच्छा ब्लड लेके जाती है बॉडी में, और ये गंदी गंदी, सर मतलब रीनल वेन कनेक्टेड होती है कैपिलरीज से, हाँ नेफ्रॉन के अंदर तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा उसे भाई, हाँ। देखो ये रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेकर आई, फिल्टर हुआ, अब ये गंदे ब्लड जो है इसके अंदर से अच्छी चीजें निकाल ली गई, तो अच्छी अच्छी चीजें किसने एब्जॉर्ब कर ली इसने, और ये ऑटोमेटिकली अब क्या बन जाएगी, रीनल वेन, और ये बॉडी के अंदर वापस हो जाएगी फिर, तो इसका मतलब रीनल आर्टरी और रीनल वेन आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन किस तरीके से, नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर से नेटवर्क बनाने के बाद, आगे समझ में, और यहाँ पे क्या निकलेगा सक्षम, फिर सक्षम गंदी चीज, ये यहाँ पे कलेक्टिंग टेबल के अंदर क्या आएगा सर, गंदा ब्लड आएगा सर, जो भी बेस होगा वो उधर से, हाँ यूरिन, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे मेरे बच्चों,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल खुशी जब वाटर लॉस होता है लीव्स में से, तो एक सक्शन टाइप का क्रिएट हो जाता है. वो सक्शन जो रूट्स में वाटर होता है उसको अपनी तरफ लाइक पुल करता है, तो उस पुल को ट्रांसपिरेशन. वेरी गुड. तो इसका मतलब और यूनिडायरेक्शनल होता है. हाँ ये यूनिडायरेक्शनल होता है. तो देखो एक डायग्राम अगर तुम देख पा रहे हो तो क्या देखो, एक सेकंड, ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, एक इस तरीके से देख पा रहे हो ये रहा? ये देखो ट्रांसपिरेशन की, देखो ये H2O का मॉलिक्यूल है, H2, ये दो H है और ये O है. तो ट्रांसपिरेशन से वॉटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है. तो देखो ये इसे खींच रहा है, तो ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है. तो ऑस्मोसिस के जरिए जमीन का पानी ऊपर से लॉस हो रहा है, तो पानी फाइनली नीचे से ऊपर पहुंच गया. This is called transpirational pull. कोई डाउट है इसके अंदर? No sir. Okay. अच्छा सक्षम. Yes sir. हाँ सक्षम, जरा मुझे एक बात बताओ. अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो स्टोमेटा के बाहर मेरे पास एक सेल होते हैं, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं स्टोमेटा के बाहर? बताओ. गार्ड सेल्स. नहीं नहीं नहीं, गार्ड सेल के बाहर. Epidermal cells. Very good. These are called epidermal cells. दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? Yes sir. एक सेकंड, एक सेकंड. ये दिख रहा है? Yes sir. तो ये मेरे पास क्या है? गार्ड सेल, और ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, और इसके बाहर बाहर ये जो सेल्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं? Epidermal cells या epidermis. Okay. देखो ये जो स्टोमेटल पोर है, तो ये स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है, कोई बता सकता है? When it is sir, getting open. Sir, जब water loss करता है. नहीं. Absorb करता है. Yes, yes, खुशी, very right. Water absorption से होता है sir. जब water absorb होता है, तो वो swell कर जाता है, और swell कर जाएगा तो वो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो ये structure open हो जाएगा. और जब वो release करता है water, तो वो पतला हो जाएगा, तो वो close हो जाएगा. Shrink हो जाएगा और close. Yes, very right. किसी को कोई doubt इसके अंदर? नहीं, sir आपने उल्टा बताया था. सर आपने नोट्स में गलत लिखवाया था. मैंने गलत लिखवाया था? हाँ सर. नोट्स में क्या लिखवाया था? गार्ड सेल एब्जॉर्ब्स वाटर, स्वेल्स, स्टोमेटा क्लोजेस. अच्छा नहीं नहीं नहीं, उसे ओपन कर लो यार, ओपन कर लो. आई डोंट नो कैसे लिखवाया. ओपन ओपन ओपन. जब स्वेल करता है ना, तो स्वेल करने से स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है. स्वेलिंग जब इतना मतलब फूल जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है. और जब वॉटर रिलीज कर देगा, तो वाटर रिलीज करने से वो ऐसे हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा ना. ठीक है, मे बी तुम ऑप्टिमिज़ी कर दो क्लास के अंदर, तो लिख पा दिया गलती से. नहीं सर, आपने ऐसे ही बताया था, वो मैंने एनसीईआरटी में. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक. तो जब वो स्वेल हो जाता है, तो स्वेलिंग से मेरे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर ओपन होता है, और जब वो वाटर को रिलीज कर देगा तो क्लोज हो जाएगा. ठीक है. यस सर. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. यस, एनी अदर डाउट? खुशी, स्वास्तिका, हर्षिता. सर है डाउट. हाँ बोलो. सर सेल सेल में जो डाइजेशन होता है, वो पाइरूवेट वगैरह, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो. पाइरूवेट. अच्छा अच्छा अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस और मोल्स ऑफ पाइरूवेट. यस सर, एक बार बता दो. ठीक है ठीक है ठीक है. तो देखो अब मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, तो मेरे पास उसके बाद क्या बनता है, 2 moles ऑफ पाइरूवेट बनता है. 2 moles of pyruvate बनने के बाद मेरे पास क्या बनता है, aerobic and anaerobic condition आती है, right? अगर notice की हो. तो अब देखो, चाहे कोई सा भी molecule हो, चाहे वो मेरे पास bacteria हो, चाहे वो human being हो, चाहे वो कोई भी हो, तो glycolysis तो होनी ही होनी है. तो glycolysis जब होनी ही होनी है हमारे पास, तो glycolysis कितना हो, glycolysis का मतलब glucose से 2 moles of pyruvate बनना. ठीक है, तो मेरे पास क्या बनना है, 2 moles of pyruvate बनना. तो मेरे पास, हाँ तो एक सेकेंड में दिखाता हूँ एरोबिक एंड. और फिर उसके बाद देखो, अब इसके बाद बनने के बाद डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंडीशन में हो. तो अगर तुम जिस कंडीशन में हो, तो उसके ऊपर मेरे पास डिपेंड करेगा. अब मैंने एक बात बताई तुम लोगों को कि अगर मेरे पास एरोबिक कंडीशन होता तो कितनी एनर्जी निकल के आती है, याद आया किसी को कुछ? 28. और अगर एनएरोबिक होता है तो कितनी एटीपी बन के आती है? 280 यस यस. तो अब अगर मैं एक सेकंड, अच्छा चलो मिल ले रहा है, कोई बात नहीं. तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो.
देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बहुत सिंपल है यार, बच्चों वाली बात है। देखो मेरे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज से मेरे पास क्या बनता है, 2 moles ऑफ पाइरूविक एसिड, पाइरूवेट बोलते हैं उसे, इतना हिस्सा सबके अंदर होता है, डिपेंड करता है 3 कंडीशन पे। एरोबिक होता है, एरोबिक होने से मेरे पास क्या बनता है, 30 ATP, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर एनएरोबिक के अंदर क्या बनता है, एनएरोबिक के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 2 ATP, ठीक है, इथेनॉल भी बनता है, इथेनॉल और H2O। लेकिन जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसका पता नहीं, तो वो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसमें मेरे पास क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, हमको कभी-कभी हमारी हड्डियों में दर्द हो जाता है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर, राइट, मसल सेल के अंदर। एरोबिक कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। यस सर, लेकिन ये वाला हिस्सा ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट, और ये भी क्या होता है, इसका मतलब एनएरोबिक का पूरा हिस्सा साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म है, राइट। तो डायग्राम के बारे में तो नहीं पूछोगे ना, क्या डायग्राम के बारे में तो नहीं पूछोगे? नहीं सर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में। सर नहीं, आप संडे के टेस्ट में, नहीं 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 डायग्राम ही पूछूंगा, लेकिन ओरली पूछ सकता हूँ किससे क्या होता है। सर आप टेस्ट लोगे कैसे? ऑनलाइन पता लग जाएगा, ऑनलाइन होगा, तुम्हें तो प्रिपेयर करना है, बाकी पता लग ही जाएगा। सर एक बच्चे का एक टाइम पे है, 3-4 का एक साथ, चार 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 एक टाइम पे। सर प्लीज मेरे को किसी 2-3 अच्छे बच्चों के साथ ही रखना, ठीक है, हमारे साथ रख देना सर, हम लोगों के साथ। हाँ चलो मेरे को सक्षम के साथ रख देना, अच्छा अच्छा, तू आर्यन के साथ जाके चल। क्या चल रहा है भाई, ये सब थप्पड़ मारो पे 3-4 पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा आस्था, हाँ सर, हाँ अब तुम बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है? सर ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता, और जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है। ये तो ट्रांसफॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, राइट, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कडलिंग ऑफ मिल्क हो गया, राइट, और डाइजेशन ऑफ, सर माउथ में जब हम मतलब, वो भी तो केमिकल होता है ना, दो होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल, जो सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ, तो वो भी केमिकल चेंज हुआ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि जब तुमने खाना खाया है, खाना से बोलस बन गया, तो क्या बोलस से अब दोबारा खाना बना पाओगे? मजाक चल रहा है क्या? सर ये पूछना था कि सर जैसे डाइजेशन प्रोसेस में पहले जो खाना होता है, मतलब कि आखिरी में आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन के सर ड्यूडेनम में चला जाता है, सर उसके बाद वो बहुत सारे जूसेस का सर वो मतलब सेक्रीशन आता है, जैसे बाइल जूस का और एंटीबायोटिक जूस का आता है, तो सर वो इलियम में पहुंचता है सर, फिर इलियम के बाद जियोजेनोम में जाता है कि नहीं जाता है, कि सीधा कहां जाता है? तुमने इतनी बड़ी स्टोरी बता दी, लास्ट पार्ट होता है ना, तुमने इतनी बड़ी स्टोरी बताई है, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो भाई। ड्यूओडेनम में आया तो इलियम तो लास्ट में होता है, ड्यूओडेनम ड्यूओडेनम का जियोजेनोम, जेजुनम के बाद इलियम, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक सेकंड, ड्यूओडेनम के 3 पार्ट, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले ड्यूओडेनम में जाएगा, ड्यूओडेनम में सारे के सारे जूस निकल के आएंगे, तो लीवर से भी जूस निकल के आता है, ठीक है, पैनक्रियाज से भी जूस निकल के आता है, और इंटेस्टाइन अपना खुद भी निकालता है, तो पूरा का पूरे जूस के अटैक पड़ता है ड्यूओडेनम और जेजुनम के अंदर, जिससे पूरा फूड डाइजेस्ट होता है, और इलियम तक ऑलमोस्ट सारा फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, तो अब तुम बोलो तुम्हारा क्या क्वेश्चन था सक्षम? सर मैं पूछा था कि आपने जो नोट्स दिए थे सर, उसमें बस ड्यूओडेनम और हीलियम का लिखा था, बीच में जेजुनम गायब है। हाँ कोई बात नहीं, इतना अरे मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फाउंडेशन का है, लेकिन इतना ज्यादा फाउंडेशन नहीं दे रखा उसमें, ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं करना है कि उसमें नहीं दे रखा है तो नहीं, बस तुम्हें इंटेस्टाइन का करना है, ठीक है, जो काम ड्यूओडेनम में हो रहा है वही काम जेजुनम के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि मेन डाइजेशन तो इन्हीं के अंदर होता है, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इंटेस्टाइन ओवरऑल तो एक ही काम करता है,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की डाइजेशन करना। हाँ भाई और कोई डाउट? सर क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बोलो बोलो सर, एक बार स्केलेटल और बैलेंस इक्वेशन बता दो। अच्छा स्केलेटल और बैलेंस इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेक्शन में पूछा है ना? हाँ नहीं उस टाइम पर सर, आपका फेवरेट सर, मैं उस टाइम पर था नहीं जब आप बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात। देखो देखो अगर मेरे पास दान ने क्वेश्चन पूछा तो चुप हो जाओ, तो अच्छी बात है, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? जैसे मान लो मेरे पास एक कोई सी भी रिएक्शन है, ठीक है, अब मेरे पास एक जो रिएक्शन है, मान लो मेरे पास इधर रखा है कॉपर, कॉपर प्लस NO3 सिल्वर नाइट्रेट। अरे भाई चुप हो जाओ, और बोल रहे बताओ ऑनलाइन क्लास में क्या घुसर घुसर कर रहे हैं? तो मेरे पास कॉपर है और AgNO3 है, तो कॉपर जब AgNO3 के साथ कंबाइन करता है तो एक्चुअली कॉपर तो स्ट्रांग होता है इससे, तो इसको रिड्यूस कर सकता है, आई मीन इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है CuNO3 twice, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, कॉपर की 2, तो नाइट्रेट NO3 की होती है 1, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? CuNO3 twice बन जाएगा। तो ये CuNO3 twice बन गया मेरे पास, तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा? सिल्वर। अब मुझे एक बात बताओ सडान, सडान हाँ, यहाँ पे NO3 जो है, ये NO3 यहाँ पे एक ही एक तरह से पूरा, लेकिन यहाँ पे NO3 कितने हैं? दो, राइट? ये NO2 लिखा है वहाँ पे। अरे NO3 ट्वाइस, अच्छा। NO3 ट्वाइस का मतलब इस दो का इफेक्ट इस पूरे नाइट्रेट में पड़ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। ये NO3 अगर नहीं समझ आ रहा है, एक सेकंड चुप रहो पहले, सारे चुप रहो एक सेकंड पहले। ये नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, क्यों? क्योंकि जो ट्वाइस लिखा है इसका इफेक्ट्स पे जा रहा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6। तो क्या ये रिएक्शन सडान अभी बैलेंस है? नहीं सर। तो जो बैलेंस रिएक्शन नहीं होती उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया? तो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उसे हम स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही नाइट्रेट है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मुझे बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा आगे लगाते हैं। अब नाइट्रेट को बैलेंस हो गया, 32 Ag होगा ना, लेकिन अब Ag कितना हो गया? 2। इस नाइट्रेट को बैलेंस करने के चक्कर में सिल्वर 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, यस और नो? यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ बैलेंस रिएक्शन, समझ में आया? तो बैलेंस और स्कैटर रिएक्शन आपस में एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होते हैं। सडान कोई डाउट? यस सर। नहीं सर। पक्का सोच लो एक बार। यस सर। ठीक है, अच्छा अब खुशी बताएगी। खुशी मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे मान लो मेरे पास है सिल्वर वो लेड नाइट्रेट, लेड का मतलब होता है पीबी, तो मेरे पास पीबी नाइट्रेट दे रखा है, पीबी NO3 ट्वाइस एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, अगर मान लो मैं इस तरीके से लेता हूँ KI, सॉरी गलती से, अगर ये मेरे पास KI लिखा हुआ है तो बताओ इनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी? इसमें PB और KI, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो इनके बीच में रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे एक बात बोलूं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये कोई डिस्प्लेस वाली बात नहीं है, ये है डबल डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, पोटेशियम रिप्लेस कर देगा लेड को। यस, तो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली पीबी। अब पीबी के लिए क्या लगता है? PbI2, क्योंकि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbI2 होता है, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो नाइट्रेट का भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। अब मुझे क्या बताओ, क्या ये पूरा बैलेंस है? एक सिंह कोई नहीं बोलेगा, सडान इज इट अ बैलेंस? नहीं। तो ये क्या है मेरे पास? स्केलेटल रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उधर भी 2 होना चाहिए NO3 के। यस एग्जैक्टली, तो देखो नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है नाइट्रेट, तो मुझे क्या हमेशा कहाँ लगाते हैं? आगे या बीच में? आगे आगे, ठीक है। तो तुम्हारा फेवरेट कलर ले लेते हैं, तो इसके आगे लगाओगे, ठीक है, तो आगे लगा दिया। अब यहाँ पे K कितना हो गया? 2, तो अब यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 2। अब आयोडीन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, राइट?
कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। वो पीबीआई क्या है? वो है लेड, लेड लीड बोलते हैं ना, लेड एक एलिमेंट होता है, लेड, लेड आयोडाइड। ठीक है, पीबी का मतलब होता है लेड। ठीक है सर, गॉट इट? हां सर। ओके सर। हां सर, गोल्ड में जो, हां बोलो 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 सर, बोर्ड में जो इक्वेशन बैलेंस करने आएगी वो सारी एनसीईआरटी से ही आएगी कि बाहर एनसीईआरटी से आती है? वैसे कभी इतना इजी चीजें नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि बैलेंस करो रिएक्शन। हमेशा तुमको ऐसे में देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसका एग्जांपल दो, तो रिएक्शन तुम्हें खुद ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कभी रिएक्शन ऐसे नहीं आता है कि रिएक्शन तुम्हें दी जाए कि बैलेंस करो उसे, तो रिएक्शन तुम्हें खुद ही लिखनी है और खुद ही बैलेंस लिखनी है। ठीक है, और हाँ एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आएगा ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है। Yes, कुछ कह रही थी खुशी? सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? हाँ तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। सर इलेक्ट्रिसिटी, 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 इलेक्ट्रिसिटी सर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अच्छा एक सेकंड के लिए, दो मिनट का एक मिनट टाइम दोगे? आई विल बी बैक इन टू मिनट्स।